हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। और बच्चों, जो पिछला हमने चैप्टर पढ़ा है वो है हमारा गुरुत्वाकर्षण वाला पाठ, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, वहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से अर्थ खींच रही है, सैटेलाइट चारों चक्कर लगा रहे हैं, उनका जो कक्षीय वेग क्या है, उनकी कितनी ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा कितनी है, ठीक है, कुल ऊर्जा कितनी है उपग्रह की, ठीक है। तो ये सारी सारी ऊर्जाओं के बारे में हमने हमारा गुरुत्वाकर्षण वाले पाठ में पढ़ लिया है बच्चों। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हम स्टार्ट करने वाले हैं ठोसों में यांत्रिक गुण, ठोसों में यांत्रिक गुण मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स, ठीक है ना, ठोसों में यांत्रिक गुण। बच्चों ये अगला चैप्टर है हमारा, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये सॉलिड की यदि बात करें, देखो तीन तरह के होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और तीसरा होता है गैस, ठीक है। तो ठोस के अंदर क्या होते हैं बच्चों, जो ठोसों के आकार और आयतन निश्चित होते हैं, ये हमने पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रहे हो तो आपने छोटी क्लासेस के अंदर ये पढ़ा होगा ठोस के बारे में। द्रव क्या होते हैं, जिनके आकार व आयतन जो है, आयतन अनिश्चित होता है, ठीक है। और गैस क्या होते हैं, जिसके आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते या अनिश्चित होते हैं। तो हम बात करेंगे केवल और केवल ठोसों की। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई भी, ये कोई ठोस बॉडी है, ठोस वस्तु है कोई भी। बच्चों कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ठोस वस्तु है कोई, ठोसों के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें अणु बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत पास पास होते हैं। अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठोसों के अंदर जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है इसके अंदर। अणु के अंदर एक अंतर आणविक बल लगता है, ये अणु हैं, इनके बीच में एक अंतर आणविक बल, एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है या अंतर आणविक बल लगता है, जो कि इन अणुओं को पास पास बांधे रखता है, ठीक है, इनको पास रखता है, ठीक। अब आपने क्या किया, आपने ये किया कि बच्चों यदि आपने थोड़ा सा बल लगाया अंतराणिक बलों के कारण, तो मतलब ये जो पास पास रखने, आपने क्या होता है कि इसके आकार व आयतन में परिवर्तन कर दिया, आकार या आयतन में, ठोसों के आकार और आयतन में आपने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, क्या कर दिया, परिवर्तन। अब आकार व आयतन में परिवर्तन करने से हुआ क्या कि ये जो अणु पास पास थे अंतराणिक बल के कारण, अब वो क्या हो जाएंगे, परिवर्तन करने से अणु जो हैं, अणु दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, अणु क्या हो जाएंगे, वो दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ठोसों के आकार के अंदर जो है वो परिवर्तन हो जाता है। तो सेम कंसेप्ट यही है, जैसे हम बोले कि एक मैंने लिया रबड़, रबड़ को देखते पहले, रबड़ है, रबड़ क्या है बच्चों, हमने एक रबड़ को, इतनी बड़ी रबड़ है, एक सिरे से यहाँ से बांध दिया इसको, दूसरे सिरे को यहाँ से बांध दिया, मतलब एक सिरे से बांध दिया, या ऐसा समझो अपने हाथों से एक रबड़ मैंने तेज़ी से इसको खींचा। तो तेज़ी से खींचने में बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो इस रबड़ की जो है आकृति क्या हो जाएगी, पहले ये अणु जो है बहुत पास पास में है, अब जैसे आपने एक बाह्य बल लगाया, कौन सा बाह्य बल, बाह्य बल इधर भी लगा, बाह्य बल इधर भी लगा, तो जैसे ही बाह्य बल लगाया, बाह्य बल लगाने से हुआ क्या कि जो रबड़ है ये दूर दूर चली गई, इसके जो अणु हैं वो दूर दूर चले गए, तो इसके आकार और आयतन में जो है परिवर्तन हो गया। तो इसके आकार और आयतन में यदि परिवर्तन हो रहा है, और एक, अब अच्छा एक चीज़ और,
यदि हम यहाँ पे बाह्य बल को हटा दें तो ये रबड़ जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। यदि आपने ज़्यादा खींच दिया, बहुत ही ज़्यादा जोर लगा दिया, बल लगा दिया, तो ये परमानेंट टूट जाए, टूट भी सकती है, ठीक है। या हो सके कि भाई जितनी लंबाई है उतनी लंबाई में वापस ना आए, जो इसमें थोड़ा सा जो लंबाई और बढ़ जाए इसके। तो जैसे ही आप यहाँ पे बाह्य बल हटाओगे, बाह्य बल हटाने पे इसमें एक बल लगता है, उसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल, जो कि इस स्प्रिंग को वापस अपनी पुरानी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। बात समझ में आ रही है? मैंने पहले रबड़ को खींचा, रबड़ के अणु बहुत पास पास में थे, किसके द्वारा? अंतराणिक बल के द्वारा। जैसे ही खींचा, अणु दूर दूर हो गए। जैसे आपने बल हटाया तो वापस से अणु जो पास पास में आ गए। तो जैसे ही आप बाह्य बल हटाओगे तो वैसे ही ये रबड़ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। तो इसे कौन लेके आता है प्रारंभिक अवस्था में वापस? ये होता है बच्चों प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल इसे कॉल्ड है रीस्टोरिंग फोर्स। ये बल जो है स्प्रिंग को, रबड़ को, ठीक है, कोई भी खींचने वाली वस्तु है उसको वापस लाने के लिए लगता है। और किस दिशा में लगता है? जिस दिशा में बाह्य बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में ये प्रत्यानयन बल लगता है। क्लियर है? अब एक और वर्ड होता है प्रत्यास्थता, जिसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। पदार्थ का वह गुण होता है जो कि बाह्य बल का विरोध करता है। मतलब जैसे मैंने इसको खींचा, खींचने पे प्रत्यास्थता क्या होगी जो है, इसके जो बल लगा रहे हो उस बल को वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन, ठीक है। सबसे पहले प्रत्यास्थता। इसको बोलते इलास्टिसिटी। ये क्या है? पदार्थ का वह गुण जो वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल का विरोध करे। क्या कहलाता है बच्चों? प्रत्यास्था कहलाता है। कहलाती है या कहलाता है, ठीक है, आपकी इच्छा जो मन करे। तो पदार्थ का वह गुण जो वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल का विरोध करता है उसे बोलते हैं प्रत्यास्थता। और ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? ऐसी वस्तुएं जो प्रत्यास्थता का गुण होता है, जिसमें ऐसी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती हैं। ठीक है, पर ऐसी वस्तु कौन सी वस्तु कहलाती है? प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। फिर उसके बाद इसमें वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। वस्तु क्या होगी? अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। तो एग्जांपल की यदि बात करें, एग्जांपल जैसे कि रबड़ हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये सारी की सारी वस्तु कैसी हैं? ये प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। रबड़ हुआ, स्प्रिंग हुआ। तो वस्तु किसमें बच्चों? वस्तु का आकार और जो आयतन जो है वो चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। प्रत्यास्थ हो गया, इसे बोलते प्रत्यास्थ वस्तु। अप्रत्यास्थ क्या होता है? अप्रत्यास्थ इसमें वस्तु अपनी
प्रारंभिक अवस्था, इसमें वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती, ठीक है, अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाती हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ठीक है ना, पत्थर हो गया, टूटने के बाद ग्लास हो गया, ग्लास के कांच, तो ये अपनी वस्तु वापस दोबारा जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो नहीं आ पाती तो ऐसी वस्तु अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल का मतलब होता है एफ आर से प्रदर्शित करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आने का प्रयास करती है, तो जो बल इसे वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाएगा उसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल। तो इसमें लिखेंगे बाह्य बल लगाने पर या वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु प्रत्यानयन बल के कारण पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आती है या लौट आती है, तो वस्तु पर वाह्य बल लगाने पर वस्तु प्रत्यानयन बल के कारण पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आती है, इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। पहली बात, यह बल बाह्य बल के विपरीत दिशा में लगता है, किसके? बाह्य बल के विपरीत दिशा में लगता है। तो बाह्य बल इधर जा रहा है तो प्रत्यानयन बल इधर। जैसे एग्जांपल देख लेते हम, जैसे सपोज करो ये एक सिरे से हमने स्प्रिंग को बांध दिया और ये, ठीक है, एक सिरे से हमने स्प्रिंग को बांध दिया। अब आपने क्या किया, स्प्रिंग पे बच्चों एक बाह्य बल लगाया, खींच दिया इसको इधर की तरफ, ये एफ बाह्य बल लगाया। अब जैसे ही आपने बाह्य बल लगाया, ठीक है, तो स्प्रिंग जो है कुछ इस तरीके से ज़्यादा खिंच गई, है ना, खिंच गई। तो यहाँ से कितनी खिंच गई, तो यहाँ से इतना जो है इसमें विस्थापन आ गया, इस स्प्रिंग के अंदर इतना विस्थापन आ गया, ठीक है। अब जब बाह्य बल लगाया तो इसको प्रारंभिक अपनी, इसको बोलते हैं माध्य स्थिति। क्या बोलते हैं इसको? जहाँ जितनी खिंच रही है ना उसको बोलते हैं माध्य स्थिति। ठीक है, इसको बोलते हैं विस्थापन। बाह्य बल के विपरीत दिशा में ये लगेगा हमारे पास, इस स्प्रिंग पे क्या लगेगा? एक ठीक है ये। तो अब जो है बच्चों इसको प्रारंभिक स्थिति में या माध्य स्थिति में कौन लाया? प्रत्यानयन बल जो है इसको अपनी प्रारंभिक स्थिति में लेकर के आया है। दिस इज एफ आर और ये है बाह्य बल।
तो बाह्य बल की दिशा और प्रत्यानयन बल की दिशा जो कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो यहां पे एक हुक का नियम बोलता है, हुक का नियम मैंने पहले भी बताया होगा आपको, हुक का नियम क्या बोलता है, हुक का नियम जो होता है बाह्य बल जो है वो बाह्य बल जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है ना, ये पढ़ रखा हमने। तो F इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे माइनस के एक्स, ठीक है, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं जिधर विस्थापन हो रहा है, जिधर विस्थापन हो रहा है स्प्रिंग का उसके विपरीत दिशा में क्या लगता है, उसके विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल कार्यरत होता है, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में क्या लगता है प्रत्यानयन बल, जिसे हम एफ आर से प्रदर्शित करते हैं। तो बाह्य बल की दिशा और प्रत्यानयन बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, तो हम ये बोलते हैं कि जो नेट बल होता है, नेट फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स वो एफ आर के बराबर होता है, नेट फोर्स जीरो तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस नेट बल जीरो ना, तो क्या बोल सकते हैं हम एफ आर प्लस एफ बाह्य का मान जो होता है वो क्या होता है जीरो होता है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं ये नेट बल जो है जीरो के बराबर। तो ये वाली कंडीशन हम लगा सकते हैं कि ये एफ आर जो है ये एक दूसरे के दोनों विपरीत दिशा में बराबर लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है, ये होती है इसकी माध्य स्थिति के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम प्रतिबल का, प्रतिबल, प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल होता है स्ट्रेस बोलते हैं, सॉरी स्ट्रेस है ना, प्रतिबल को बोलते हैं स्ट्रेस। इकाई अनु, इसका परिभाषा लिखे इकाई या एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, लगने वाला अभिलंबवत अभिलंबवत लंबवत लगता हमेशा है ना, अभिलंबवत प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, ठीक है ना। तो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत प्रत्यानयन बल को क्या बोलते हैं, प्रतिबल। तो प्रतिबल का सूत्र क्या जाएगा, प्रतिबल इज इक्वल टू हो जाएगा अभिलंबवत अभिलंबवत प्रत्यानयन बल बटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा प्रतिबल बराबर, कई बार प्रतिबल को सिग्मा से ही प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा, ठीक है, ये हो जाएगा एफ आर अपॉन ए, ठीक है, ये हो प्रतिबल का सूत्र, ठीक है, प्रतिबल क्या हो जाएगा एफ आर अपॉन ए। प्रतिबल का मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होता है, ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये विमा, विमा क्या हो जाएगी एम वन एल वन टी माइनस का टू अपॉन एल टू, एम वन एल माइनस वन टी माइनस का टू। तो बच्चों आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक होता है पावर, पावर होता है
प्रेशर, सॉरी प्रेशर है ना, दाब, दाब जिसको बोलते हैं दाब, दाब क्या होता है पी फॉर प्रेशर, दाब क्या होता है पी बराबर एफ बटे ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एम वन एल वन टी माइनस का टू अपॉन एल टू, तो एम वन एल माइनस वन टी माइनस का टू। देखो प्रतिबल की विमा दाब की विमा के दोनों के बराबर है, प्रतिबल की विमा दाब की विमा के बराबर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये एक तरीके से क्या होता है प्रतिबल जो है एक तरीके का दाब होता है, कि किसी भी दाब क्या होता है लंबवत बल होता है, किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल, ठीक है। तो ये भी तो लंबवत ही है, ये दाब जो है एक तरीके का क्या है प्रतिबल ही है, प्रतिबल ही होता है, ठीक है। हम क्या लगा रहे हैं बच्चों, दाब लगा रहे हैं। तो अब हमने क्या किया कुछ इस तरीके से, सपोज करो ये मेरे पास एक बड़ी सी कोई रोड है जैसे किचने वाली है, ठीक है। अब आपने क्या होता है इसको यहाँ से पकड़ा, उसको खींच दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाया, यहाँ पर प्रतिबल लगा ना, प्रतिबल, तो इस पर कितना रीस्टोरिंग फोर्स बटे एरिया, जितना एरिया उस पर, ये देखो थोड़ी देर बाद जो है यहाँ से ये खिसक जाएगा, जैसे जैसे बल लगाओगे ना वैसे ये जो है यहाँ पे ये खिंच जाएगा यहाँ पे, ये इसमें क्या हो गया परिवर्तन आ गया। तो बल लगाने पे क्या हो गया, इसकी जो इकाई क्षेत्रफल पे जो लगने वाला बल है, तो ये क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रति बल, क्लियर है। तो बच्चों प्रतिबल के भी प्रकार होते हैं, प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, अनुधेर्य प्रतिबल, ठीक है, इस तरह अपर रूपण प्रतिबल, आयतन प्रतिबल। तो ये नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। सो ये वाला लेक्चर देखिए। सो थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट बच्चा।